प्लीज राधे राधे सभी लोगों को स्वागत है कौन नए ब्लॉग में आप लोगों का। अभी दोपहर के बज रहे हैं, देखो पहले एक बजने वाले हैं और मुझे लगा लेट हो गया लेकिन लेट तो हुआ ही है, थोड़ा लेट है। और मैं बना रही हूँ खाना आज, अभी एक बजे जल्दी जल्दी बना रही हूँ। मनोज तिवारी इस टाइम यहीं प्यास से यहाँ पे काम कर रहे हैं पास ही में ही नीचे, तो अभी खाना खाने आएंगे, एक बजे आएंगे, बोले थे एक बजे लंच होगा तो खाना लेके नहीं गए हैं इस टाइम। आज से यहाँ नीचे मतलब जीना उतरती है मेन रोड है, तो यहीं पे आज से गए हैं काम पे। तो कुछ दिन का है काम, जैसे फिटिंग वगैरह करते हैं मेंटेनेंस काम करते हैं तो वही है उनका, तो कुछ दिन के लिए यहाँ पे लगे पड़े हैं। तो इसकी वजह से पूरा खाना बना रही हूँ प्रॉपर, दाल बन चुकी है और उधर है उधर और इधर चावल कुकर में है, इधर भिंडी की सब्जी बन रही है, आटा लगाने जा रही हूँ, रोटी बनाऊंगी। नैन्सी स्कूल गई है, नैन्सी अभी आ जाएंगी, 1:15 पे उनकी छुट्टी हो जाएगी, अब टाइमिंग चेंज हो गई तो जल्दी आ जाएंगी। तो एक बच्चा है घर ही में, वो स्कूल नहीं गया है, वो कभी कभी जाता है, मैंने बताया आप लोगों को, तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। इधर बन रही मेरी मसाला भिंडी बहुत नॉर्मल तरीके से, अभी इसमें इधर बन रही मेरी मसाला भिंडी जो कि थोड़ा सा अभी मैं इसको खोल के पकाऊंगी, जो इसमें थोड़े थोड़े रेसेस आ जाते हैं, रहते हैं तो बहुत सारे लेकिन निकल जाते हैं बाद में, तो अभी थोड़ी देर खोल के पकाऊंगी। अभी ढक के पका रही थी, चावल तैयार हो रहा है, अब जा रहे हैं आटा लगाने। इसको खोलते हैं, गूगल खुल जाता है, कैमरा खोलते हैं, देखना बाहर दरवाज़ा खुला हुआ है। 1:15 हो रहे हैं, 1:10 हो रहे हैं, खाना बना लिया है, जा रही हूँ नैन्सी को लेने। नैन्सी स्कूल से छुट्टी हो गई होगी तो आज जाती हूँ ले आती हूँ, रोज़ तो 5 बजे अभी तक आती थी तो 5 बजे मैं नहीं जा पाती थी, आराम करने लगती थी, तो अभी जा रही हूँ देखती हूँ। नैन्सी 1:15 बोली थी कि चल रही हूँ गाइज नैन्सी को लेने, नैन्सी के स्कूल अगर रास्ते में ही मिल जाएंगे क्योंकि मुझे लग रहा है छुट्टी हो गई होगी। हम दिखा रहे हैं मनोज तिवारी, मनोज तिवारी काम कहाँ करते हैं, ये यहीं पे करते हैं बेसमेंट में, यही नीचे प्रेस है पासी में है, तो यहीं काम करते हैं मनोज तिवारी। नैन्सी शायद आ रही है, बता रही है उनकी फ्रेंड एक मिली थी, रास्ते में ही मिल जाएंगी, यहीं पर जीना उतरती है बस थोड़ी दूर से बेसमेंट पे, यहीं मनोज तिवारी काम कर रहे हैं, अभी के लिए लगे हैं फिट। रोड पे तो बोलने में भी डर लगता है, कोई मोबाइल ही ना छीन ले। अभी नैन्सी नहीं निकली, इतनी देर से देख रही हूँ छुट्टी नैन्सी की हो गई है पर नैन्सी नहीं आई, मुझे लगा रास्ते में होंगी, 1:15 की टाइमिंग थी लेकिन 1:20 पे छुट्टी हुई, तो और बच्चे निकल रहे हैं, अभी नैन्सी नहीं आई है। वैसे 10th क्लास के थोड़ा पहले छोटे बच्चों को निकालते हैं उसके बाद बड़े बच्चों को निकालते हैं थोड़ा थोड़ा करके। नैन्सी मिल चुकी है, आ गए हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, छाछ लेने लगे थे। इतनी टाइम जो बताई थी उस टाइम में छुट्टी नहीं हुई, इतनी देर से मैं खड़ी हूँ, 1:15 बताई थी छुट्टी हुई 1:40 पे, कब से खड़ी वहीं पे मैं गर्मी में इतना, अब जाके पहुँची। कहीं मनोज तिवारी खाने भी ना आ गए, रोटी नहीं बनी थी, दाल चावल सब्जी बना था बस, फोन करके पूछा था, गए थे तो बोल के गए थे कि नहीं आए, चप्पल नहीं है, 1 बजे खाने आऊँगा। अब मैं जल्दी जल्दी मैं सारा खाना बना डाली, पता होता कि नहीं आएंगे तो मैं ना बनाती इतना सारा खाना, फिर ये नौटंकी हो जाएगी कि खाना ही नहीं देती बना के ढंग से। आ गई मैं, मार दे पंच, पेपर लेके आई तो गलत मिल गया। अब जा रहे रोटी बनाने, पराठा सेकने, जल्दी जल्दी सारा खाना बनाई कि 1 बजे आऊँगा, 1 बजे बना देना, सब मांजी धोई सारा कुछ, चावल दाल सब बना के आटा लगा के चली गई,
और यहाँ आने के बाद अभी फोन किया तो बता रहे हैं मैं आलमबाग में हूँ, मैं नहीं आऊंगा खाने। अब बताओ क्या करूँ मैं क्या करूँ। खाना बन चुका है, दाल है, छोले है कल के, भिंडी की सब्जी, पराठा, चावल अभी नहीं निकाला है तो पहले ये सर्व करूँगी, गोलू को दूंगी। कितना बज रहा? 5:37। 6 बजने वाला? आज पूरे कपड़े सुबह ही डाल दी थी, अभी 6 बजने वाले हैं। सारे कपड़े जब नहाई थी उसके बाद तुरंत ही डाल दिया था कि बारिश में सूखते नहीं है तो सूख जाएंगे, और सारे कपड़े ऑलमोस्ट सूखे हुए थे। और जैसी लेटी मैं, पूरा आज उलट पलट के हवा भी चल रही थी, थोड़ी धूप भी थी तो सूख गए थे। और लेट गई मैं, इन लोग से बोले कि बारिश होगी तो बताना कपड़े सूखे निकालोगे, तब तक मैं जैसे ही लेट गई उसके इधर आओ, जैसे ही लेट गई उसके कुछ देर बाद बारिश आने लगी और इन लोग को पता नहीं चला, सारे कपड़े दोबारा से भीग गए। इतने मुश्किल से सुखाया था तो सारे कपड़े भीग गए, क्या ही बताऊँ। अभी हल्के मतलब भीगे ही हैं, फिर से दोबारा से भी कूलर पर रख दिया था इन लोगों ने निकाल के, तभी दोबारा से डाली हूँ। देखो ये सूखा हुआ सारा, तुम्हारा भी सूख गया था सब, फिर भीग गया बताओ। तो गुस्सा नहीं लगती तुम बताओ? जब इतने मुश्किल से मैं सुखाई हूँ तो बोली थी कि ध्यान देना बारिश आएगी तो बता देना, कोई नहीं बताया। जब भीग गया तब बताया। लो इसको टफ में रख दो। चाय बनाने जा रही है नंसी, अभी चाय बनाएंगी। मैं अभी लेटी थी, अभी उठी हूँ, मेरा फेस देख के पता चल रहा होगा कैसा हो गया है। लो, अरे वीडियो बनाते बनाते एक्सरसाइज भी शुरू कर देती हूँ बहन, क्या वहाँ पैसा हो गए। तो गाइस चाय बन चुकी है, अभी फाइनली नैन्सी चाय लेके आई है, 6:30 बज गया होगा, पता नहीं टाइम नहीं देखा। उस टाइम 6 बज रहे थे तो इस टाइम 6:30 बज रहे होंगे, तो अभी मैं चाय पीने जा रही हूँ। अरे साबुदाना अच्छे से नहीं फूला इसको और फुलाना चाहिए था, बेचारी भूखी थी तो कुछ बना रही हैं, तल रही है ना नैन्सी? बन चुका, नमक तो है इसमें रानी। तो मेरी दीदी ने चिप्स जो भेजा था अभी थोड़ा बहुत रखा हुआ था, तो नैन्सी अपने लिए अरे फ्राई करी हैं। अभी रात के बज रहे हैं 9, और थोड़ा सा तेल डाल के कढ़ाई में फ्राई करी इनको। इस टाइम मतलब शाम में कुछ ना कुछ स्नैक्स चाहिए होता है, टिफिन दिया था चावल फ्राई करके तो उसको नहीं खाई थी, छाला निकला था तो ये नहीं तीखा लगेगा। और इनको पसीना हो रहा है, किसी को ठंडी लग रही है। अभी एक जने ड्यूटी से आए हैं तो आते ही हाथ पैर नहीं धोए पहले, अभी मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल देख लेंगे उसके बाद हाथ पैर धोएंगे। काम आया नहीं देखे समूचा आम, आज आम आया है फिर से, ये लास्ट वाला आम है, इसको क्या बोलते हैं सौचा आम, चौसा, ये चौसा आम इसको यहाँ पे बोलते हैं लखनऊ में। तो अभी बहुत दिन से नहीं ला रही थी और लास्ट में आज भाई साहब मेरे दे गए हैं, अभी आए थे तो ये लास्ट ही है। एक किलो है 110 रुपये किलो, तो 1 किलो में 4 चढ़े थे। तो ये आम आया है इधर, अभी ये नाश्ता अपना कर रही हैं एंजॉय। और अभी हम चल रहे हैं कुछ चाय बनाएंगे थोड़ा सा, मनोज तिवारी आए हैं उनको भी चाय देंगे बना के, और कोई भी पिएगा तो। और ये तुम्हें चाय, तुम्हें तो नहीं दिखा, चाय पियोगे? नहीं दिखाया, मुँह ना बनाओ। हाँ प्रचंड रूप धारण कर लूँगी मैं ना नैन्सी। हे गाइस अभी रात के बज गए 10, आई थिंक 10 बज रहे हैं, देख लेती हूँ।
10 बजने में अभी 10 में बाकी है और खाना पीना हो रहा है, किसी का हो गया, बच्चे लोग का हो रहा है, मनोज तिवारी का खाना पीना हो चुका है। अभी मैं पूरा साफ़ सफाई करूंगी, उसके लिए अपने उसके बाद कुछ अपने लिए बनाऊंगी क्योंकि मेरा फास्ट है आज। और किसी के साथ वीडियो को एंड करूंगी। अभी पूरा बर्तन वगैरह धोऊंगी, गैस धोऊंगी, बहुत सारा काम है, तो वीडियो को एंड करूंगी। आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलेगी आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग में। अगर कोई रेसिपी आप लोग को चाहिए कुछ भी, तो आप लोग वीडियो के ज़रिए बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, वो मैं अच्छे से शेयर करूँगी। मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर गाइस।